अगर घर पे बीन्स रखी हो और कुछ भी समझ में ना आए तो बनाइए साउथ इंडिया की बहुत ही क्विक इजी और ट्रेडिशनल डिश जिसे बीन्स बोरियल कहते हैं और फटाफट बन जाती है और इतनी ज़्यादा टेस्टी ये लगती है। ये ना ब्रेकफास्ट में, लंच में देने के लिए या फिर साइड डिश के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 250 ग्राम फ्रेंच बीन्स ले ली है और इन्हें ना अच्छे से पानी से एक बार धो लेंगे। इसके बाद में ये जो बीन्स हैं इनका हम आगे और पीछे का हिस्सा हटा देंगे और छोटे छोटे पीसेस में हम इनको कट कर लेंगे। वैसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके बनाया है, आप चाहें तो थोड़े बड़े पीसेस में भी काट कर बना सकते हैं। तो कटी हुई बीन्स को साइड में रख देंगे और इसके बाद में हम कढ़ाई में लगभग 2 टेबल स्पून जितनी कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, इसीलिए धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। फिर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे एक सूखी साबुत लाल मिर्च टुकड़े करके ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून कच्ची चना दाल, 1 टीस्पून साबुत उड़द दाल बिना छिलके वाली, फिर 1 टीस्पून मैंने इसमें काली सरसों के दाने ऐड किए हैं, 7 से 8 कड़ी पत्ते ऐड कर दिए हैं, 1/8 छोटी चम्मच जितने हम इसमें हींग ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और राई को तड़कने देंगे और ये जो दोनों दाल हैं इन पर हल्का सा सुनहरा कलर आने देंगे। फिर इसमें कटी हुई बीन्स ऐड कर देंगे और बीन्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुछ मसाले ऐड करेंगे जैसे स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। तो इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बेसिक से मसालों से ये बन जाती है। इसके बाद मैंने इसमें ये 2 हरी मिर्च रफली काट कर ऐड कर दी है। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और आप चाहें ना तो इस रेसिपी में प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थोड़ा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये जो बीन्स हैं ये जल्दी से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मैंने बहुत कम ही पानी का इस्तेमाल भी किया है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद में हम ये जो बोरियल है इसे ढक कर पका लेंगे। तो ये देखिए बीन्स ना काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और जो पानी हमने ऐड किया था वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो अब हम सबसे लास्ट में इसमें फ्रेश कद्दूकस किया हुआ कोकोनट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ना लगभग 1/4 कप के जितना कद्दूकस करके कोकोनट ऐड कर दिया था। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुछ सेकंड्स पकाने के बाद ही हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी एकदम सिंपल क्विक रेसिपी बन के तैयार है। तो मैंने तो इसे रोटी के साथ ही खाया था और मुझे ये बहुत अच्छी लगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो पेज को फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।